हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और इसकी प्रश्नावली 12.2 हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3rd को देखने वाले हैं। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अब आपको पता है घड़ी में तीन तरह की सुइयां होती हैं। एक तो मिनट वाली होती है जो सबसे लंबी होती है, एक सेकंड वाली होती है जो छोटी होती है और चलती रहती है, और एक होती है घंटे वाली सुई जो बहुत स्लो चलती है, सबसे स्लो यही चलती है। तो हमें बाकी दो सुइयों के बारे में बात नहीं करनी है, ठीक है? तो ये मैंने घड़ी बना ली, 12, यहां पर 6 होता है, यहां 3 है और यहां पर 9। अब मान लो कि जो ये है, ये वाली सुई है, ये हमारे पास मिनट वाली सुई है। अगर मिनट वाली सुई यहां से चलते 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 वापस अपनी ही जगह पर पहुंच जाए, तो हम कहेंगे कि मिनट वाली सुई ने एक चक्कर कंप्लीट कर लिया है। और मिनट वाली सुई जो ये एक चक्कर है, ये 60 मिनट में पूरी करती है ना? 60 मिनट में क्या करती है, ये पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है। इतना समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज, ये जो एक चक्कर वाला पूरा कोण होता है ना, इसको कहते हैं 360 डिग्री। मतलब यहां से पूरा यहां तक का जो कोण होता है वो होता है 360 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि मिनट वाली सुई वाली लिखना चाहिए था, क्या लिख दिया, मिनट वाली सुई 60 मिनट में, 60 मिनट में कितने डिग्री, 360 डिग्री त्रिज्यखंड कोण पूरा करती है। ठीक है, पूरा करती है, ये तो आपको पता है पहले से, है ना? तो 60 मिनट में 360 डिग्री का जो कोण है वो पूरा करती है। अब अगर 60 मिनट में इतना करती है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 मिनट में कितना करती है, 1 मिनट में कितना त्रिज्यखंड कोण पूरा करती है, अब ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझ लूं, मैं आपको समझा दूं। पहले आपको पता है कि इस वाले कोण को त्रिज्यखंड कोण कहते हैं। तो अगर मिनट वाली सुई अभी यहां पर है और थोड़ी देर बाद वो यहां पहुंच जाती है, तो वो इतना ही जो है वो त्रिज्यखंड कोण पूरा करती है। फिर से, अगर मिनट वाली सुई यहां पर है और थोड़ी देर में यहां पहुंच जाती है, तो देखो इतना त्रिज्यखंड कोण पूरा कर लेती है। फिर से देखो, अगर मिनट वाली सुई अभी यहां पर है और थोड़ी देर में यहां पहुंच जाती है, तो इतना त्रिज्यखंड कोण पूरा करती है। फिर से देखो, अगर मिनट वाली सुई यहां है और घूमते 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 यहां पहुंच जाती है, तो इतना त्रिज्यखंड कोण पूरा करती है। और फिर से, अगर मिनट वाली सुई यहां है और घूमते 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 वापस यहीं पहुंच जाती है, तो ये पूरा त्रिज्यखंड कोण पूरा करती है। तो 60 मिनट में 360 डिग्री का वो त्रिज्यखंड कोण पूरा करती है। तो 1 मिनट में कितना त्रिज्यखंड कोण पूरा करेगी, 360/60। अब 360 को अगर 60 से भाग करोगे तो 6 डिग्री आएगा। इसका मतलब हो गया कि मिनट वाली सुई जो है 1 मिनट में 6 डिग्री वाला त्रिज्यखंड कोण पूरा करती है। पर क्वेश्चन में तो हमें 5 मिनट के बारे में कहा है, तो अगर 1 मिनट में 6 डिग्री का त्रिज्यखंड कोण पूरा होता है, तो 5 मिनट में होगा 5 × 6 डिग्री, जो कि हो जाएगा 30 डिग्री। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आपकी मिनट हैंड वाली, ठीक है, मिनट वाली सुई है, देखो ये तो 12 हो गया, यहां 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है। तो मिनट वाली सुई जैसे ही यहां से यहां पहुंच जाएगी, तो ये जो त्रिज्यखंड वाला कोण है कितने डिग्री का माना जाएगा, 30 डिग्री का। ठीक हो गया? तो आपको पता लग गया ये त्रिज्यखंड
त्रिज्यखंड कोण आ गया, और ये हमारे पास क्या आ गया, एक त्रिज्यखंड। इसी का क्षेत्रफल हमें निकालने के लिए कहा है। तो यहां हम लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है थीटा ओवर 360 पाई आर स्क्वायर। मैं फिर से समझा दूं आपको, अगर नहीं समझ में आया तो। मैं आपको ये बता रहा था कि हमारे पास ये घड़ी है, ये 12 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, ये 6। तो 1 मिनट वाली सुई अभी यहां है, 5 मिनट में वो यहां पहुंचेगी। इस वाले कोण को बोलते हैं त्रिज्यखंड कोण, जो कि हम निकाल चुके हैं 30 डिग्री। तो तुम्हें ये जो 30 डिग्री त्रिज्यखंड कोण वाला ये जो क्षेत्रफल है, ये जो त्रिज्यखंड है, इसी का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है थीटा ओवर 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा तो हो गया त्रिज्यखंड कोण, जो मैं 30 डिग्री निकाल चुका हूं। नीचे हमारे पास है 360, पाई का मान हमारे पास है 22/7। अब यहां त्रिज्या क्या होगी, अगर आप देखें, मैं एक बार कलर चेंज कर दूं यहां पर, ये होगी आपके पास त्रिज्या ना, ये जो सुई की लंबाई है ना, ये होगी आपकी त्रिज्या यहां पर। तो सुई की लंबाई कितनी दे रखी है, जरा क्वेश्चन में भी देख लें, मिनट सुई की लंबाई कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। तो आर की जगह तो हम क्या रखेंगे, 14 रखेंगे, क्योंकि आर स्क्वायर है, तो 2 बार 14 रखेंगे, 14 × 14। यहां पर ये 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है, 3 एकम 3, 3 12 12 इस तरह से कट गए। तो मैं फिर से लिख लेता हूं, 1/12 × 22/7, और ये 14 × 14, ठीक है, 7 एकम 7, 7 2 14, ठीक हो गया, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, ठीक हो गया। क्या बचा, मैं फिर से एक बार और लिख लेता हूं, 1/6 22 × 14, 2 3 6 और 2 11 सा। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, इस 11 को इस 14 से गुणा करना है। तो ये आएगा हमारे पास 154, और नीचे हमारे पास 3 है, और सब कुछ सेंटीमीटर में था, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया है। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।